और काशी का मतलब है कि काशी तीन खंड है, काशी काशी करके लोग कई लोग आते हैं। इतना भारतीय यहाँ पे आते हैं, किस लिए आते हैं? इसलिए मंदिर में अर्धनारीश्वर कहते हैं, जो बीच में जो है दिख रहा है, एक तरफ गौरी एक तरफ केदारशिवलिंग, राजा मानधाता के द्वारा यहाँ पे स्थापित है। सभा को यहाँ पे बैठा करके रथ को जो है तीन बार जो है कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को दिखाएंगे केदारनाथ धाम, जो कि अभी इस टाइम पर वहीं पर सब लोग नहाने के लिए आ रहे हैं और पिंडदान करने के लिए आ रहे हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, और नए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो रास्ता बीच में से आया वो नहाने के लिए रास्ता बना हुआ ना, आप उसी रास्ते से आकर इस सीढ़ी में गंगा जी नहा सकते हैं यहाँ पर, जो कि इसी रास्ते से आप लोग जा सकते हैं केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए। तो इनका केदारनाथ धाम इस साइड बगल में है, और ये देख सकते हैं विजय नगर घाट वाराणसी, ये प्लेट बनाया हुआ है, एक लोहे की चादर है उसी पर ये बनाया गया है। और ये देख सकते हैं ये आपका वह गंगा जी हैं, और गंगा जी के किनारे ठीक केदारनाथ धाम है। तो आप लोग पानी का बहाव बहुत काफ़ी बहुत तेज है, और यहाँ पर नाव लगी हुई है, और कुछ लोग बाहर से भी आए हैं घूमने के लिए और केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए। ये देख सकते हैं बाहर के श्रद्धालु कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है केदारनाथ धाम पर, बाहर के लोग आए हैं बैठे हुए हैं। ये है गौरी केदारनाथ मंदिर, श्री कुमार स्वामी मठ। दोस्तों आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में, और ले चलेंगे आप लोग को केदारनाथ धाम का भी, आप लोग को केदारनाथ धाम पर जाकर आप लोग का दर्शन भी कराएंगे। कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, और मैं बता दूं कि सावन के महीने में यहाँ पर पहला जो यादव जी लोग का जल अभिषेक होता है यहीं से शुरू होता है, केदारनाथ धाम से जल अभिषेक यादव जी का, यहीं से लोग जल उठाते हैं, ठीक अंदर जल चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद तब बहुत सारे जगह जगह मंदिर मंदिर पर और वहाँ पर जल गिराया जाता है जल अभिषेक। कितना ऊपर पानी है, और पानी पूरे पत्थर के ऊपर आ चुका है। जय गंगा माता जी, हर हर महादेव, बाबा काशी विश्वनाथ। चलिए देखते हैं आप लोग को अंदर, वीडियो बनाने के लिए अलाउ रहेगा तो आप लोग को जरूर दिखाएंगे केदारनाथ धाम दर्शन कराएंगे। मेन पंडित जी यहीं हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे, और फिलहाल में बोले हैं दो मिनट बाद वो मिलाते हैं, पंडित जी से बात भी कराएंगे और कुछ जानकारी आप लोग को भी मिलेगा केदारनाथ केदार धाम से जुड़े हुए, ठीक है। और ये गंगा जी से जुड़े हुए रहस्य हैं, कुछ जानकारियाँ देंगे। नमस्ते। नमस्ते जी, ये बताइए केदारनाथ से जुड़े हुए कुछ रहस्य। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यहाँ पे हम लोग इस समय केदार घाट पर हैं, इसको कहते हैं केदार खंड और केदारेश्वर धाम। ऊपर जो केदारनाथ की मंदिर है, और इस मंदिर के मैं पुजारी हूँ, और शाम के वक्त जो है प्रदोष काल में रोज प्रतिदिन अभिषेक और आरती होती है, और इसी तरह यहाँ घाट के नीचे भी पूजा पाठ होते हैं। यहाँ पे कई लोग साउथ इंडिया से, माने कई लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे केदारेश्वर धाम में जो है केदारनाथ केदार घाट पे जो है स्नान करते हैं वगैरह, सब पूजा पाठ सब कराते हैं और श्राद्ध वगैरह सब करते हैं, श्राद्ध करना और गंगा स्नान करना, केदारेश्वर का दर्शन करना। और काशी, तो हम लोग यहाँ पे काशी है, हम लोग इस यूट्यूब चैनल में हम लोग यही जानकारी हम लोग देना चाह रहे हैं, और आप लोग को सबको मालूम होने चाहिए कि यहाँ पे केदार घाट पे क्या क्या विशेषता है। और काशी का मतलब है कि काशी तीन खंड है, काशी तीन खंड में से एक खंड केदार खंड, और दूसरा खंड विशेश्वर खंड, तीसरा खंड ओंकारेश्वर खंड, ओंकार खंड कहते हैं। तो तीनों खंड में से जो विशेषता, जो विशेष जो खंड है केदार खंड, तो केदार खंड का जो विशेष है, यहाँ पे केदारनाथ जो माउंटेन जो केदारनाथ है, उस केदारनाथ जो है टोटल 16 कड़ा है, 16 कड़ा में से 15 कड़ा यहाँ पे आकर के केदारेश्वर ने स्वयंभू यहाँ पे प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पे जब केदारेश्वर आए हैं तो माँ गौरी भी आकर के यहाँ पे गौरी कुंड यहाँ पे बनी है, गौरी कुंड, इसी गौरी कुंड में जो है कि यहाँ पे माँ गौरी ने तपस्या की है, तो इस तपस्या की है, तो यहाँ पे विशेषता यही है, यहाँ पे माँ गौरी ने यहाँ पे तपस्या की है, और ऊपर केदारनाथ है और गौरी कुंड के नीचे गंगा जी हैं।
इसके बीच में लोग स्नान करना और गंगा जी का और गौरी कुंड में भी स्नान करना और केदारेश्वर का दर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे श्रावण के महीना में इतना विशेषता है कि यहाँ पे 5 जगह पे जल चढ़ती है यादव लोग का, यादव सरदार लोग का। ये माने किसी जात का बात नहीं है, यहाँ पे परंपरा चले आ रही है कि बहुत सालों से, खाली केदारनाथ पे नहीं है, विश्वेश्वर और केदारेश्वर, तिलवांडेश्वर और ओंकारेश्वर और उसके बाद एक और मंदिर है, और पांचों मंदिर में यहाँ पे जल चढ़ती है हर साल श्रावण के महीना में पहला सोमवार के दिन। और जो होता है यहाँ सारंगनाथ भी जाता है, सारंगनाथ मार्कंडेय महादेव वही है पांच, तो मार्कंडेय महादेव भी जल चढ़ती है, विश्वेश्वर चढ़ती है, केदारेश्वर जल चढ़ती है, तिलवांडेश्वर भी जल चढ़ती है। इसी तरह तो यहाँ पे पहला गंगा स्नान यहाँ करते हैं लोग, जल उठाते हैं, बाबा गौरी केदारेश्वर को जल चढ़ाते हैं और लोग सब जगह जाते हैं। तो यहाँ पे केदारेश्वर केदारखंड में जो विशेषता है, दक्षिण भारतीय यहाँ पे आते हैं, किस लिए आते हैं, इसलिए आते हैं कि यहाँ पे तीनों खंड में से विशेषता यही है कि कहीं भी अगर वो आदमी इंसान अगर मरे हैं तो उनको कहीं ना कहीं से उनको जैसे काशी के बाहर जो है यम यात्रा उसको कहते हैं, यहाँ पे भैरव यात्रा कहते हैं। तो केदार खंड पे अगर मरने वालों को भैरव यात्रा नहीं है, यहाँ पे इनको डायरेक्ट यहाँ के यहाँ पे मोक्ष मिलती है, इसीलिए डायरेक्ट मोक्ष मिलती है। यहाँ पे केदार खंड पे कोई भी अगर यहाँ पे गुजरे हैं मरे हैं तो उन लोग को जिंदा मतलब रहते हुए उनको जो भी कष्ट होती है उनको, उन्होंने जो रहते हुए जन्म से लेके जो मरण तक जो भी उन्होंने अपने गलती हुआ है उसकी जो धुलाई, माने इसको भगवान जो है कि पूरा एकदम उनका धुलाई पूरा करते हुए और यहाँ पे मोक्ष देते हैं। यहाँ पे काश्यांत मरणान मुक्ति जो कहते हैं, जो असली जो केदारखंड पे है, काश्यांत मरणान मुक्ति, जो भी यहाँ पे मरते हैं उसको भैरव यात्रा नहीं रहेगी, उसको डायरेक्ट मोक्ष मिलेगी। यहाँ पे मरना भी और काशी में आना भी, काशी गंगा स्नान करना भी, यहाँ पे पूर्व जन्म का सुकृत मतलब पूर्व जन्म का पुण्य होना चाहिए, यही पुण्य से लोग आना यहाँ पे केदारेश्वर का दर्शन करना। यादव जी का जो जल अभिषेक होता है वो हम भी करने जाते हैं, जो कि यादव लोग का ही होता है, लेकिन हम भी जाते हैं कि हम भी चलेंगे विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे, केदारनाथ धाम जी का दर्शन करेंगे, और महामृत्युंजय मंदिर है वो वहाँ का भी, और सारंगनाथ है, मार्कंडेय महादेव है, ये सब जगह जल उठाया जाता है, गागर में उठाकर तुरंत जल अभिषेक जो शिवलिंग है उस पर गिराया जाता है, तो यादव लोग करते हैं, उसी के उपलक्ष्य में हम भी जाते हैं दर्शन करने के लिए कि मेरा सावन का पहला त्यौहार है तो हम लोग भी जाते हैं। तो केदारनाथ धाम में जो उनका मंदिर है, टेम्पल्स है, वो अंदर चलेंगे, आप लोग को दर्शन कराएंगे। काशी काशी करके लोग कई लोग आते हैं, तो काशी मतलब यही है ना कि आप कहीं भी आप जन्म ले और काशी में आए, और कहीं भी जन्म लेते हैं तो अपना वो जन्म लेना, अपना जो भी कार्य करना और उसको शादी विवाह करना, बच्चा होना, उनका शादी उदी करा देना, अब उसके बाद क्या करना, क्योंकि मोक्ष के प्राप्त की रास्ता देखना देखा जाता है, यही है आखिरी काशी बनारस। इस बनारस में काशी का मोक्ष का जगह है, इसीलिए इसको कहते हैं काश्यांत मरणान मुक्ति, माने यहाँ पे जो भी यहाँ पे गुजरे हैं तो यहाँ पे उनको मोक्ष यहाँ पे मुक्ति है, तक इसीलिए शिव भगवान जो है यहाँ पे मोक्ष के प्राप्त सबको देते हैं, तो इसीलिए लोग यहाँ पे कई बुजुर्ग लोग यहाँ पे आकर रहते हैं कि मैं काशी वास करूँ और 9 दिन रहूँ, 9 महीना रहूँ, 9 मास यहाँ पे रहूँ, तो 9 मास यहाँ रह करके रोज गंगा स्नान करना और बाबा गौरी केदारेश्वर का दर्शन करना। लोग यहाँ पे 90 साल नहीं, 80 साल नहीं, 70 साल नहीं, उतना उम्र ले करके यहाँ पे आना, अपने काम, ये नहीं कि किसी से करवा लेना। सत्रम भोजनम मठम निद्रा नहीं है, मतलब इसे होता है कि अपने रूम एक तो कमरा लेना किराए पे, उसमें रह करके जो अपने हाथ से खाना बनाना, और रोज़ ठंडा रहे, जाड़ा रहे, गर्मी रहे, रोज़ गंगा स्नान करना, गंगा जल उठा करके गौरी के दर्शन के धाम पे जो है जल चढ़ाना, यही उनकी जो है मोक्ष की रास्ता। और यहाँ पे रहते रहते यहाँ पे अगर 30 साल नहीं 40 साल भी यहाँ पे हैं तो यहाँ पे मोक्ष करके है जरूर, लेकिन वो भगवान की अगर आशीर्वाद है तो उनको मोक्ष जरूर मिलेगा, अगर नहीं है तो 40 साल भी यहाँ पे रहें तो एक दिन के लिए अगर काशी के बाहर अगर चले गए उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। कि अगर मोक्ष यही हमको चाहिए, बाबा भगवान से प्रार्थना यही है, तो हमको काशी से कहीं हिलना नहीं, जाना नहीं है, कि हम यहीं रहना है, कुछ भी हो हमको तबीयत सही है ना सही है तो हमको यही जल में स्नान करना है, यही जल उठा के बाबा के ऊपर जल चढ़ाना है, और खाना घर पे जाके बना के खाना है, तो एक गिलास पानी भी अगर कोई
मांगने पर देने वाला नहीं रहेगा तो तब इनको मोक्ष मिलता है, क्योंकि ये है कि अगल बगल अगर काम करने वाले को रख करके हम काशी में रहें तो क्या फ़ायदा है। इसलिए अपने काम को अपने साथ स्वयं करके स्वयं पाक माने खाना भी अपने हाथ से बना के जो खाएगा जो रहेगा यहाँ पे, तब उनको जो कि मोक्ष की प्राप्ति मिलता है। इसलिए उसको काशी माना यहाँ पे हमारे पिताजी यहाँ पे करते थे और पिताजी और स्वर्ग प्राप्त ठीक और उसके बाद मैं कर रहा हूँ यहाँ पे भगवान का आशीर्वाद मैं कर रहा कि बाबा का रोज प्रतिदिन शाम को जो है 5:30 बजे और बाबा का पूजन जो है अभिषेक आरती होती है उसको प्रदोष काल पूजा करते हैं गौरी केदार ईश्वर। हमारी मठ है कुमार स्वामी मठ, कुमार स्वामी मठ के द्वारा जो है हम लोग यहाँ पे पूजा पाठ या सब होती है केदारेश्वर जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके पहले ही इनके पिताजी बैठते थे, अब ये बैठते हैं, तो क्या आपके बाबा जो थे आपके पिताजी के पिताजी यहाँ पर भी बैठते थे पृथ्वी पर? यानी कि इनके कई पुत्र से यहाँ पर चला आ रहा है, कई पुत्र से यहाँ पर मंदिर का देखभाल, यहाँ पर रहना और लोगों को आशीष करना इनका काम है। पंडित जी से आशीर्वाद लूँगा जो कि यहाँ के मेन पुजारी हैं, लीजिए। और मैं आशीर्वाद इसलिए ले रहा हूँ कि जो भी मैं काम करूँ अच्छे से करूँ और मैं इसी तरफ आगे बढ़ते रहूँ। तो ये लंबा वीडियो गया है तो आप लोग ज़रूर देखकर बताइएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग को केदार धाम से जुड़े हुए बातें कैसे लगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर आप हमें बताइएगा। जो गौरी केदारनाथ धाम मंदिर है उनको दिखाने के लिए ले चल रहे हैं, तो काफी मिलकर इनसे बहुत ही अच्छा लगा जो कि ये मंदिर पर सभी लोग देखभाल और यहाँ के जो रहते हैं लोग काफी अच्छे से सब मिलजुल कर काम करते हैं और देख सकते हैं अंदर कितना अच्छा बनाया गया है। ये जो दो शिव जी के अंदर जाने के लिए मंदिर के लिए अलग ये द्वार पालिका जो होते हैं द्वार लोग वही लोग हैं। ये आरती करने के लिए यहाँ पर तैयारी किया जा रहा है ना। इस गौरी केदारेश्वर मंदिर में मुख्य जो है द्वार के बाद और नंदीश्वर का जो दर्शन होती है, ये गौरी केदारेश्वर मंदिर है और गौरी केदारेश्वर मंदिर में हम लोग पहुंचे हैं इस समय और इसको गौरी केदारेश्वर मंदिर में अर्धनारीश्वर कहते हैं जो बीच में जो है दिख रहा है, एक तरफ गौरी ईश्वर है गौरी केदारेश्वर कहते हैं। महत्वपूर्ण माने यहाँ पे जो भी यहाँ पे आते हैं दर्शन करने कि जरूर यहाँ पे आए और केदार जी भी स्नान करके गौरी केदारेश्वर के दर्शन के प्राप्त करें, यही हमारी प्रार्थना है। बंटी गर्म बंटी तो यहाँ के ब्राह्मण हैं, जैसे इनके यहाँ पे परंपरा कई पुस्तों जो है कि यहाँ पे बैठते हैं यहाँ पे गौरी केदारेश्वर मंदिर में, हम लोग यहाँ पे बाबा का गौरी केदारेश्वर का आरती करते हैं और बाबा का श्रृंगार होती है, यही है विशेषता। जो बाबा गौरी केदारेश्वर का जो रुद्राक्ष बाबा का छिड़ती है तो उनके ऊपर छत्र छाया पूरा रुद्राक्ष का जो एकदम श्रृंगार है। आइए और अभिषेक है क्या? अच्छा पूरा ऐसे ले लीजिए। महादेव
अच्छा, ये राजा मानधाता है। राजा मानधाता, राजा ये जो लिंग है गौरी केदार शिवलिंग राजा मानधाता के द्वारा यहाँ पे स्थापित है। स्थापित मैंने स्वयंभू है। राजा मानधाता ने केदारनाथ मंदिर जाते थे यहाँ से तो जा नहीं पाए, तो जब जा नहीं पाए तो यहाँ से कि उनको खिचड़ी का भोग लगाते थे। जब खिचड़ी का भोग जब लगाते थे तो उस भोग लगा नहीं पा रहे। एक दिन जो अपने मन में दुखी हुआ कि हम मेरे तबीयत सही नहीं है, मैं लगा नहीं पा रहा भोग, तो क्या करूँ शिव कि आपके दर्शन की प्राप्ति कैसे मिलेगी। तो बाबा जो है खिचड़ी के बीच में से जो स्वयं प्रकट होकर के बाबा गौरी केदारेश्वर ने कहा कि मैं यहाँ पे आपको स्वयं भी होता हूँ और उसके बाद आपकी भक्ति को लेकर के मैं प्रसन्न हूँ, आपको क्या चाहिए। तो राजा मानधाता ने बोला कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे मोक्ष चाहिए बाबा। तो बोले कि तदास्तु, उनको मोक्ष दिया गया। और उसके बाद यहाँ पे जो काशी में लोग आते तो काशी में जो आने वाले लोग के लिए क्या किया जाए, क्या 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 कर, मतलब बाबा ने बोला कि यहाँ पे जो भी काशी में आएंगे गौरी केदारेश्वर का दर्शन करेंगे उनके मोक्ष के प्राप्त, कहीं भी अगर वो मरेंगे तो उनको मोक्ष मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पे केदारेश्वर मंदिर में लोग आना और केदारेश्वर के दर्शन करना। केदारेश्वर में विशेषता जब पूजा होती है तो इस रथ में बाबा को यहाँ पे बैठा करके रथ को जो है 3 बार जो है कि प्रदक्षिणा यहाँ पे होती है बाबा के अंदर। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यह केदार गौरी केदारनाथ धाम से यह वीडियो बना हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।